खबर रीवा जिले से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने 27 लाख रुपए की लागत से मनगवा बस्ती से मिथौरी प्लांट तक बनाई जाने वाली पीसीसी सड़क का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने मंदिर में बाउंड्री वॉल बनाने एवं आंगनबाड़ी भवन निर्माण कराने, छतदार चबूतरा निर्माण कराने तथा 3 हैंडपंप खनन कराए जाने की घोषणा की। कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि गत 60 वर्षों से प्रतीक्षित इस सड़क का निर्माण मिथौरी गांव के आदिवासी बस्ती के लोगों के लिए एक सौगात है। उन्होंने सड़क निर्माण के लिए भूमिदान देने वाले मिश्रा परिवार के सदस्यों को धन्यवाद दिया। श्री गौतम ने कहा कि देव तालाब व मनगमा क्षेत्र में विकास के सभी कार्य प्राथमिकता से कराए जा रहे हैं। गांव-गांव में सड़कों का जाल बिछाकर सभी को मुख्य मार्ग से जोड़ा जा रहा है। पुल पुलियों के निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है, ताकि कोई भी गांव वर्षा काल में मुख्य मार्ग से जुड़ने से वंचित ना रहने पाए। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा जहां भी भूमि पूजन कार्यक्रम किए जाते हैं, वहां तत्काल कार्य भी प्रारंभ करा दिया जाता है। साथ ही यह निर्देश भी है कि नियत समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य हो। श्री गौतम ने आश्वस्त किया है कि पुरानी सड़कों के जीर्णोद्वार के साथ ही नवीन सड़कों की स्वीकृति भी नवीन बजट में दिखाई जाएगी, ताकि कोई भी गांव व कस्बा सड़क मार्ग से छूटे नहीं, क्योंकि जीवन की निर्भरता सड़कों से भी है। इस अवसर पर अध्यक्षता करते हुए विधायक मनगवा पंचूलाल प्रजापति ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा मनगवा विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक कार्यों की स्वीकृति दिलाई गई है। उन्होंने श्री गौतम को साधुवाद देते हुए अपेक्षा की कि मनगवा सहित विधानसभा क्षेत्र में अन्य विकासोन्मुखी व हितग्राही मूलक कार्य जारी रहेंगे। उन्होंने मिथौरी के आदिवासी बस्ती के लोगों को बहुप्रतीक्षित नवीन सड़क की सौगात के लिए बधाई दी।